प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीकी देशों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह बात आज नई दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कही। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत और केन्या के बीच व्यापार और निवेश में प्रगति हुई है और आगे भी सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे। जिनका अतीत भी साझा है और भविष्य भी। फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील भविष्य की नींव रखते हुए आज हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान भी की। भारत और केन्या के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत केन्या के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत के केन्या के लोगों की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। केन्या के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति रूटो का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से पिछड़े देशों की समस्याओं से निपटने के लिए उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत से मिलते जुलते विचार हैं। श्री रूटो ने यह भी कहा कि भारत और केन्या के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। भारत यात्रा के दौरान केन्या के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रपति के रूप में श्री रूटो की यह पहली यात्रा है। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। उनके सम्मान में राष्ट्रपति मुर्मू ने राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया है। केन्या के राष्ट्रपति नई दिल्ली में व्यापार और निवेश से संबंधित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। केन्या के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा 6 वर्षों के बाद हो रही है। इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ तथा मजबूत होने की उम्मीद है।